हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गो इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम देखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स कीबोर्ड किस तरह वर्क करता है, उसकी सर्किटरी किस हिसाब से होती है। सबसे पहले मैं उसकी एक वर्किंग की वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आइए। जैसा कि हमने अभी अभी वीडियो देखी, ये उस मैट्रिक डिस्प्ले की सर्किटरी है। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 8 पिन है, जिनमें हमने 4 पिन इनपुट किया और 4 पिन आउटपुट किया। हम इसमें मान लेते हैं 8, 7, 6, 5 पे हम इनपुट दे रहे हैं और 4, 3, 2, 1 जो पिन है उस पे से हम आउटपुट लेंगे। अगर हम 8 नंबर पिन पे इनपुट देते हैं तो हम इसकी सर्किटरी देखकर 1 प्रेस करते हैं तो या ग्रीन में से हमें आउटपुट हमें 4 नंबर पिन पर मिल जाएगा, और 2 प्रेस करेंगे तो हमें आउटपुट हमें 3 नंबर पिन पे मिलेगा, और 3 प्रेस करने पर हमें आउटपुट 2 नंबर पिन पे मिलेगा, और 1 प्रेस करने पर 1 नंबर पिन पे मिलेगा। इसी तरह से जब हम 7 नंबर पिन पे इनपुट देंगे तो हमें 4 प्रेस करने पे आउटपुट 4 नंबर पिन पे मिलेगा, और 5 प्रेस करने पर इनपुट 3 पिन पे, और 6 प्रेस करने पर 2 पे, और बी पे प्रेस करने पर 1 पे। इसी तरह से 6 पे इनपुट देंगे तो हमें 7, 8, 9, C, इसी तरह से 4, 3, 2, 1 इन पे आउटपुट मिल जाएगा, और इस तरह से अगर हम 5 पे देंगे तो *0#D प्रेस करने में 4, 3, 2, 1 पे। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स कीबोर्ड वर्क करता है।